फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो आप आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चाहे आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको ये एप्लीकेशन जरूर पसंद आएगा, लाइव पेंटिंग एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड। इसका मतलब ये है, जैसे कि आपको लाइव वॉलपेपर्स मिला करता है एंड्रॉइड में, तो आपको उसमें एनिमेटेड वॉलपेपर दिखता है, वैसे ही इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे, जैसे कि वाटर, प्लांट, सैंड और बहुत सारे एलिमेंट्स दिए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल कर आप पेंटिंग तो नहीं कर सकते हैं, मगर मजे जरूर कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर पेंटिंग भी कर सकते हैं, मगर दूसरे एप्लीकेशन जितना नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस एप्लीकेशन के बारे में जानना है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखें। अब मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और आपको सिंपली अब चल जाना है प्ले स्टोर में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, और आपको यहाँ पर लाइव पेंटिंग एप्लीकेशन सर्च नहीं करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है सैंड, ये इस एप्लीकेशन का नाम है। और आपको सबसे ऊपर एक सॉफ्टवेयर, सॉरी एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा सैंड करके, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। देख सकते हैं 137 MB का ये एप्लीकेशन है, काफ़ी छोटा एप्लीकेशन है, आपको इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे आप उसका एक पिक्चर्स देख सकते हैं, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पार्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया पेंटिंग भी कर सकते हैं, तो वो मैं बताऊँगा आगे वीडियो में आपको कैसे क्या चीज़ करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद ये तुरंत डाउनलोड भी हो गया, अभी ये हो रहा है इंस्टॉल। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन हो चुका है इंस्टॉल, अब हम इसे करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ सकता है, आपको इसे सिंपली कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, और जो मैंने वहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में बताए थे ना, वही है ये सारे एलिमेंट्स, आप इनके बारे में पढ़िए और तभी आपको इस एप्लीकेशन के बारे में समझ आएगा। वैसे मैंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में बताया है, नहीं तो आप एक दूसरे के साथ इसे यूज़ करते करते भी इसके बारे में समझ जाएंगे ओके। तो आप इसका प्रीमियम वर्जन भी खरीद सकते हैं, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे ओके। तो चलिए अब चलते हैं, अब अपने एप्लीकेशन को इसी इंस्ट्रक्शन को करते हैं हम क्लोज। यहाँ पे आपको एक क्रॉस दिख रहा होगा, और यहाँ पे ऐसा हमारा है एप्लीकेशन का इंटरफेस। आपको यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, आप इन्हें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है एक वॉल, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ऊपर से वाटर मैंने डाला, तो आप जैसे कि देख सकते हैं वाटर का हमें सेम इफेक्ट मिल रहा है, इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है लाइव पेंटिंग एप्लीकेशन। और अगर मैं उसमें आग लगा देता हूँ, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये वाटर हमारा हो चुका है एवापोरेट। एवापोरेट होने के बाद ऊपर से अगर वॉल क्रिएट कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाता है कंडेंस। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, मुझे काफ़ी ये पसंद आया है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ रिएक्ट करके काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी एलिमेंट के ऊपर एक बार और क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो आपको उसका एक स्पाउट मिलता है, इसका मतलब कि वो ख़त्म नहीं होगा कभी। जैसा कि आपने देखा था उस समय फायर, हमें उसे टैप करके रखना पड़ रहा था, मगर अभी नहीं हो रहा है वो चीज़, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें गन पाउडर भी आपको मिलता है, तो यहाँ पे आप अपना बॉम्ब्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक बॉम्ब क्रिएट करके दिखा देता हूँ, मैंने सबसे पहले एक राउंड टाइप का बना लिया है वॉल से, फिर मैंने इसके अंदर भरा है गन पाउडर, और यहाँ पर नाइट्रो सिलीरिन नाम का एक होगा एलिमेंट, आपको उसे भी डाल देना है। फिर सी फॉर एक्सप्लोजिव मैंने बीच में डाल दिया, फिर एज ए फ्यूज मैंने प्लांट को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं बीच से मैंने यहाँ पे एक प्लांट को एज ए फ्यूज इस्तेमाल किया है, फिर मैंने इसमें लगा दिया है आग। आग लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक घड़ी का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आप उस पर टैप करते हैं तो आपका यहाँ पे जो सारा टाइम है ना वो फ्रीज हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत बार। जैसे कि मैंने टाइम को फ्रीज से हटा दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बढ़िया से हमारा बम हो चुका है ब्लास्ट। और यहाँ पे ये स्लाइडर दिख रहा है ना आपको, आप उसे स्लाइड करके इन सभी को क्लीन भी कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जैसे कि वुड, और एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी करते हैं, आप यहाँ पे उन सभी के बारे में पढ़ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।